हमारे 37, अरे उनके साथ जो लोग है ना अंजना जी, उसमें से 8-10 लोग हमारे संपर्क में है। और मुंबई के चार संपर्क में ही चल रहे हैं, चिन्ह ने लिस्ट में दिया। संपर्क टूटा हुआ है सर, संपर्क टूटा हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने फेसबुक लाइव में कहा कि मुझसे बात कीजिए, संकोच होता है सामने में तो फोन पे बात कीजिए। ये सब उद्धव ठाकरे साहब को बोलना पड़ रहा है सोशल मीडिया के जरिए। अरे भाई सुबह किशोर मासूम ठीक है, आ रही हूँ बारी जैसे किशोर मासूम, किशोर जी मत में है, इनको नैतिक जिम्मेदारी रहते हुए जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। अंजना जी, हाँ ब्रिजमोहन जी, मुझे तो एकनाथ शिंदे साहब का बयान याद आ रहा है। सुबह सुबह एकनाथ शिंदे साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं शिव सैनिक था हूं और रहूंगा। इनके इस स्टेटमेंट में सारी हकीकत छुपी हुई है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी संदेश है कि वो शिव सैनिक को नहीं बदल पाएंगे। और हो सकता है अच्छा, तो वो बीजेपी शासित राज्यों में क्यों ही घूम रहे हैं? कार है, मैं ये नहीं कहता कि सूरत से है, असम में बाढ़ का दौरा करने गए हैं फिर, या काजीरंगा नेशनल पार्क? मैं काजीरंगा, और अब गोवा भी आ रहे हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनका जो बयान है उस बयान को भी हमको गंभीरता से लेना चाहिए। खाली हम विपक्ष की बात माने ये भी तो ठीक नहीं है। एकनाथ शिंदे साहब ने क्या बोला? आपके चैनल पे मैंने सुबह सुना था, मैं शिवसैनिक हूँ, था और रहूंगा, इसका क्या तात्पर्य बताइए? यही तो कह रहे हैं कि असल हिंदुत्व वाले शिवसैनिक उनके साथ हैं। नहीं छोड़ रहे, समझे नहीं आप, डिटेल नहीं समझे, फाइनर पॉइंट नहीं समझे। ठीक है, मैं लौट रही हूँ किशोर मासूम जी, जल्दी से नायर साहब आ रही हूँ, उसके बाद आ रही हूँ जवाब भी तो अभी दिया। एक एक करके तिवारी जी जो बोल रहे हैं किशोर मासूम, ये बंद समझाने के लिए बातें अच्छी हैं इनकी, लेकिन अभी हालात एकदम स्पष्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। सरकार अल्पमत में है, आगे का जो भी प्रक्रिया है वो होगी, लेकिन ये मन समझाने के लिए जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि शिंदे साहब ने कहा है कि मैं अभी भी शिवसैनिक हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शिवसैनिक का उनका आप असली तात्पर्य आप नहीं समझ रहे हैं, वो अब शिवसेना नहीं रही है जिसके वो अपने आप को सैनिक बता रहे हैं। इस्तीफे हम लोग मांग रहे हैं, कौन सा मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है, थोड़ा बताइए। कहां से ले आए तुमने, कहां से ले आए? अरे तुम्हारा कुछ जमने वाला नहीं है, और बीजेपी का भी कोई जमेगा नहीं। होगा अच्छा। तो महाराष्ट्र में ज्यादा चुनाव होगा, मैं अभी बता रहा हूँ। अच्छा है, ये भाई समझाने वाली बात है, बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी, आप तसल्ली दीजिए अपने आप को। तुम राजनीति करने वाली पार्टी कहाँ आके खड़ी हो गई है ये तो देखिए। तुम कहा यही अहंकार आपको ले डूबा है तिवारी जी, यही अहंकार, मैं इसी अहंकार की बात कर रहा हूँ।